अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। गणपति लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग रेशियो एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर 31 मार्च 2017। तो गणपति लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है तो चलिए वो देखते हैं। इन्फॉर्मेशन में क्या है, सेल्स दे रखा हुआ है 60 लाख, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25%, नेटवर्थ में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, ये सब नेटवर्थ में आता है। फिर रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस 7:3, ये रेशियो दे रखा हुआ है। करेंट रेशियो 2 दे रखा हुआ है, नेट प्रॉफिट टू सेल कितना दे रखा हुआ है, 6.25%, तो 60 लाख का 6.25% आ जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 दे रखा हुआ है, फिर नीचे में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा हुआ है 18 लाख का। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दे रखा हुआ है, 60,000 का, रिसीवेबल 2 लाख का, पेबल्स 2 लाख का, ये हम लोग को दे रखा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो हम लोग को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालना है। नेक्स्ट में प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, और फॉर्मेट में क्या दे रखा हो, फिक्स एसेट हम लोग को करेंट एसेट, स्टॉक, रिसीवेबल, कैश, ये हो गया एसेट साइड का। लाइबिलिटी साइड का क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 15%, डिबेंचर और पेबल, ये हम लोग का दे रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ था, फिक्स एसेट्स, फिर करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ है, स्टॉक, रिसीवेबल, कैश, फिर यहाँ शेयर कैपिटल दे रखा हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, फिफ्टीन परसेंट डिबेंचर, पेबल्स, ये हम लोग का दे रखा है। इस तरह से हम लोग को क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट में हम लोग को पहले से क्या क्या मालूम है, रिसीवेबल कितने लाख का, 2 लाख का, पेबल्स कितने लाख का मालूम है, 2 लाख का, ये हम लोग को मालूम है, रिसीवेबल, पेबल। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000 दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना दे रखा है, 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे हम लोग निकाले होंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इक्वल टू क्या, 15% रेट है, डिबेंचर का रेट कितना परसेंट है, 15% इंटू डिबेंचर के होंगे, इंटरेस्ट हम लोग को कितना दे रखा है, 60,000 दे रखा हुआ है, डिवाइड बाय 15% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, डिबेंचर। तो इस तरह से हम लोग का डिबेंचर कितना आ गया, 60,000 का कितना कर दिया, 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60, तो ये हम लोग का डिबेंचर कितने का आ गया, सॉरी 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15, तो हम लोग का डिबेंचर कितने का आ गया, 4 लाख का, डिबेंचर कितने का आ गया, 4 लाख का। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट ये बोलते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग को क्या बनाना होगा, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स, सेल्स हम लोग का कितना दे रखा हुआ है, 60 लाख, माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हम लोग का कितना दे रखा है, 18 लाख का, कितना दे रखा है, 18 लाख का, तो ये कितना आ गया, 60 लाख माइनस 18 लाख, तो ये आ गया हम लोग का 42 लाख, कितने का आ गया, 42 लाख
माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, माइनस क्या करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये हम लोग को निकालना है, तो आ क्या जाएगा ईबीआईटी के, क्या आ जाएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना आ जाएगा जितना भी आ जाएगा, माइनस क्या करते हैं हम लोग इंटरेस्ट करते हैं, इंटरेस्ट सम्स में कितना दे रखा हुआ है 60,000 का जो डिबेंचर का इंटरेस्ट था, तो हम लोग का क्या आता ईबीटी, यही आता ना, माइनस क्या करते हैं हम लोग टैक्स करते हैं, ईबीटी माइनस क्या करते हैं टैक्स करते हैं, टैक्स का रेट दे रखा होता है एट द रेट 50%, एट द रेट 50%, तो टैक्स माइनस करने के बाद क्या आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, और अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दे रखा हुआ है 60 लाख का 6.25%, यही है ना नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो 6.25, तो इस तरह से हम लोग को अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 लाख का 6.25%, ये कितना आ गया 3,75,000, टैक्स अब हम लोग का कितना परसेंट है 50% है, तो ये देखिए ये जो होगा टैक्स, ये जो होगा टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही होगा, अगर यहाँ पे हम लोग 100% मानते हैं, यहाँ पे कितना मानते हैं 100%, तो ये टैक्स डिडक्ट हो गया 50%, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बच गया 50% बच गया ना, तो ये दोनों क्या है इक्वल ही हैं, तो हम लोग यहाँ भी कितना लिख लेंगे 3,75,000, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हुआ होगा 3,75,000 प्लस 3,75,000, तो 7,50,000, 7,50,000, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, हम लोग को 50% का निकालना था और 50% का मालूम है, 50% का कितना मालूम था 3,75,000, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, तो ये हम लोग का कितना हो गया टैक्स अर्निंग बिफोर टैक्स 7,50,000, ये हम लोग को 60,000 डिडक्ट करने के बाद, 60,000 डिडक्ट करने के बाद हम लोग को 7,50,000 आया, तो अगर हम लोग डिडक्ट नहीं करते 60,000 तो हम लोग का कितना होता, तो इसमें हम लोग 60,000 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया 8,10,000, कितना आ गया 8,10,000, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, यहाँ देखिए ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स ये क्या है इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद है, इंटरेस्ट कितना डिडक्ट किए थे 60,000 डिडक्ट करने के बाद, तो हम लोग उससे पहले वाला फिगर में पहुंचना चाहेंगे, तो यहाँ माइनस कर देते हैं तो इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो 8,10,000 माइनस कितना 60,000, तो ये कितना आ गया 7,50,000, अब 42 लाख में से कितना माइनस करेंगे तो हम लोग को 8,10,000 आएगा, 42 लाख में से हम लोग को कितना माइनस करेंगे तो 8,10,000 आ गया, तो ये हम लोग कितना माइनस करेंगे 33,90,000, कितना माइनस करेंगे 33,90,000, यही हम लोग का क्या हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यही हम लोग का क्या हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ध्यान दीजिए अब क्या दे रखा होता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये क्या होता है रिटर्न ऑन नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट एक तरह से बोलते हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये क्या होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 3,75,000, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना हम लोग का दे रखा है सम्स में 25%, और नेटवर्थ में क्या क्या इंक्लूडेड होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यही इंक्लूडेड होता है ना नेटवर्थ में हम लोग का शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडेड होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस प्लस शेयर कैपिटल का 25% करने से ये हम लोग का आ जाएगा ना 3,75,000, क्योंकि नेटवर्थ तो नेट प्रॉफिट होता है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या होता है नेट प्रॉफिट हो जाता है, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जिसको क्या बोलेंगे हम लोग नेटवर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3,75,000 डिवाइड बाई 25%, तो 3,75,000 डिवाइड बाई 25% किए तो कितना आ गया हम लोग का नेटवर्थ, नेटवर्थ हम लोग का कितना आ गया 15 लाख आ गया, नेटवर्थ हम लोग का 15 लाख आ गया। अब इस नेटवर्थ में रेशियो दे रखा हुआ है 7:3 दे रखा हुआ है, 7 दे रखा हुआ है शेयर कैपिटल टू रिजर्व, तो ये शेयर कैपिटल 7 में आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा 3 में, तो शेयर कैपिटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 लाख का 7:3, तो 7 बाय कितना कर देंगे 10 कर देंगे, 7 प्लस 3 कितना होता है 10, तो इसलिए हम लोग 10 कर दिए, 15 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना आ गया
10,50,000, ये कितना आ गया 10,50,000, ये हम लोग का शेयर कैपिटल आ गया। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस 15,00,000 का 3/10, तो ये हम लोग का कितना आ गया 4,50,000, ये कितना आ गया 4,50,000। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, शेयर कैपिटल आ गया 10,50,000 का, शेयर कैपिटल कितने का आ गया 10,50,000 का, और रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 4,50,000 का। तो इस तरह से हम लोग क्या बैलेंस शीट का टोटल कर सकते हैं ना। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना हो जाएगा, 10,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 4,00,000 प्लस 2,00,000, तो ये कितना आ गया 21,00,000। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ गया 21,00,000, तो इधर भी कितना आ जाएगा 21,00,000, ये आ गया। अब हम लोग को सम्स में क्या दे रखा हुआ है, करेंट रेशियो, हम लोग को क्या दे रखा हुआ है करेंट रेशियो। तो क्या करेंगे, करेंट रेशियो इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, करेंट एसेट बाय करेंट लाइबिलिटी, और करेंट रेशियो दे रखा हुआ है 2, तो 2 इज इक्वल टू करेंट एसेट, तो मालूम नहीं है तो करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लाइबिलिटी। अभी हम लोग पेबल्स था, सिर्फ करेंट लाइबिलिटी में क्या था पेबल्स था, पेबल कितने का था 2,00,000 का। तो इस तरह से करेंट एसेट कितने हो जाएगा, करेंट एसेट कितने का हो जाएगा 4,00,000 का, करेंट एसेट कितने का हो जाएगा 4,00,000 का। तो यहाँ हम लोग का करेंट एसेट में कितना हो गया 4,00,000, करेंट एसेट में हम लोग का 4,00,000 हो गया। और टोटल बैलेंस शीट का टोटल कितना दे रखा है 21,00,000, तो 21,00,000 माइनस 4,00,000 करेंगे तो हम लोग का कितना आता है 17,00,000। तो 17,00,000 हम लोग का क्या हो गया फिक्स एसेट। देखिए बैलेंस शीट का टोटल क्या होता है, फिक्स एसेट और करेंट एसेट को मिला करके, फिक्स एसेट करेंट एसेट को मिला करके करेंट एसेट हम लोग का 4,00,000 का हो गया। तो फिक्स एसेट क्या हो जाएगा, टोटल बैलेंस शीट का टोटल माइनस करेंट एसेट। तो टोटल बैलेंस शीट का टोटल 21,00,000 था, माइनस कितना कर दिए 4,00,000, तो हम लोग का कितना आ गया 17,00,000। अब हम लोग को स्टॉक निकालना है और कैश निकालना है। तो स्टॉक के लिए दे रखा हुआ है क्या चीज़, स्टॉक के लिए दे रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, COGS बाय एवरेज स्टॉक, COGS बाय एवरेज स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है 12 दे रखा है टाइम्स, और COGS दे रखा है 18,00,000 बाय क्या कर देंगे एवरेज स्टॉक। तो इस तरह से हम लोग का एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा 18,00,000 डिवाइड बाय 12। तो 18,00,000 डिवाइड बाय 12 कितना आता है 1,50,000। तो हम लोग का 1,50,000 क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा 1,50,000। तो जो बच गया वो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया कैश 50,000। बैलेंसिंग फिगर कैश कितना आ गया 50,000। इसी के साथ ये सम्स कंप्लीट होता है लिस्टेशन नंबर 4।